मैं तो तुम्हारी माँ की जिंदगी में आते के साथ ही चला गया, बिना ये जाने, बिना ये समझे कि हमारे रिश्ते का नाम क्या है, कौन सा रिश्ता जी रहे हैं। लेकिन मैं अपने रिश्ते को नाम देना चाहती हूँ। वो चले गए? हाँ दी। क्यों? वो एक्चुअली उन्होंने डिनर ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। आपने कहा कि आप डिनर नहीं करेंगे? हाँ, मेरे गेस्ट हाउस में एक गेस्ट आए हुए हैं, तो उनकी खातिरदारी करना मेरा फर्ज बनता है। वो हमारे भी गेस्ट। अच्छा, लेकिन वो तो काफी दिन से आए हुए हैं, उनसे अब तक किसी ने बात तक नहीं की। हाँ, लेकिन उनकी कोई इंसल्ट भी तो नहीं की। आप मुझे कन्फर्म क्यों कर रही? अगर आज मैं आप लोगों के साथ नहीं खाऊंगा तो कुछ बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं। तो फिर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि मैं चाहती थी कि ओके, आई एम सॉरी। इट्स ओके। माँ आपका खाने पर वेट कर रही हैं। चले? तुम चलो, मैं आती हूँ। ओके। क्या हो गया है? मैं ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हूं? क्या कर रही हूं? जिस रिश्ते की अभी तक पहल भी नहीं की है, उसे इतने अधिकार के साथ मैं क्यों जताने लगी? माँ कहती है सभी रिश्ते जिन्हें हम अपना कहते हैं, जिन्हें हम अपना समझते, जिन्हें हम अपना लेते, वो सभी के सभी रिश्ते होते एक दूसरे से बस
थोड़े से अनजाने। बिम्मी, क्या हो गया? क्यों इतना जोर से चिल्लाकर बुला रही है? क्या है ये सब? क्या है मतलब? कंघी है। अच्छा, मजाक चल रहा है यहाँ पर? कॉमेडी कर रहा हूं मैं? पूरे घर को तुम लोगों ने मेकअप रूम बना के रखा है यार। क्या टिबली, इसमें कौन सी बड़ी बात? सुन, अपना ये जो मेकअप का पिटारा है ना, हटा ले इसे यहां से, नहीं तो मैं सब तोड़ कर रख दूंगा, समझी? टिबली, क्या हो गया है तुझे? हटा ले बिम्मी। आसमान पर चला गया है। क्या हो गया है उसे? कितना रूडली बिहेव कर रही है। सच बोलो तो मेरा तो मन कर रहा है कि कल रात से ही अपसेट है। कल अवस्थी जी से भी बहस करने लगी। ओह, माँ के मना करने के बाद भी वो उनसे मिलने चली गई? मिलने नहीं गई थी, लड़ने गई थी। वो पूरे घर का माहौल खराब करेगी। पता नहीं आज दिन भर में वो क्या क्या करने वाली है।
उसको कौन रोकने जाएगा? जो ठान चुकी है वो करके रही। दीप, आप ही जाके एक बार उससे बात करो ना, आपकी बात तो वो कभी कभी मान भी लेती है। हाँ, लेकिन अभी उससे बात करके कोई फायदा नहीं। बिल्डर साहब के आने के बाद भी उसने ऐसे ही रिएक्ट किया था। हमारी हर बात पे वो अपसेट हो जाती थी। कहाँ जा रही हो तुम? यही ठीक हो इसी कमरे में। उस बिल्डर से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पहले उसने हमें अपने घर से निकाला, उसके बाद वो यहाँ भी चला आया। तुमने देखा नहीं उसके आने से माँ कितनी परेशान है? माँ परेशान नहीं है। हाँ, माँ तो पार्टी की तैयारी करी है। नहीं, तुम तो पहले अपना टेम्परेचर कम रखो और सब बात तुम्हें समझ में आ जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, तुम और माँ सबसे समझदार, और जब से बिमली मैडम ने फिल्म डायरेक्शन का कोर्स ज्वाइन किया है ये सबसे समझदार हो गई है। बट आई एम सॉरी टू से, इस प्रैक्टिकल लाइफ में ना तुम सबके सब जीरो हो। अरे उसने हमें अपने घर से निकाला है यार, और बिमली मैडम उसे सुबह से कॉफी पे कॉफी पिलाई जा रही है। तुम्हें उसने सुबह से एक कप भी कॉफी दी? एक कप? तो तुम्हें प्रॉब्लम कॉफी से है, तो मैं बना दूंगी। दी, मुझे प्रॉब्लम उस बिल्डर से है। वो घर मुझे वापस चाहिए और ये बात मैं उसके साथ करना चाहता हूँ, समझी? पहले तो तुम लड़कियों की तरह बात करना सीखो। उससे बात करना चाहता हूँ क्या होता है? उससे बात करना चाहती हूँ। दी, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, और मुझे कोई शौक नहीं है लड़कियों की तरह रहने का। इस घर का मर्द हूँ मैं, और बिल्डर को अपनी मनमानी तो नहीं करने दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी इस बिल्डर को एक बार माँ से बात कर लेने दो। जिंदगी के 17 साल में माँ ने हलचल देखी, इन 17 सालों में माँ के लिए अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो वो है वो बिल्डर। और ये बात मैंने अपनी माँ के आंखों में देखा। एक बार उन दोनों के बीच बात हो जाने दो। अगर हम ही उनके हालात को बिगाड़ने लगे तो माँ शायद अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाएगी। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ना अपनी जिंदगी कभी नहीं जी पाई। उस बिल्डर के आ जाने से एक उम्मीद सी जगी है। उम्मीद, माय फुट। आज मैंने उसे जाने दिया, लेकिन अगली बार उसे मेरे से ही बात करनी होगी, और वो घर तो मैं लेके ही रहूंगा। हम तो सोच रहे थे कि हम लोग टैक्सी से ले आए। इनफैक्ट बिल्डर जी तो जाने वाले। बिल्डर फिर आया था माँ? बिल्डर फिर आया था यहाँ पर? श्यामली, तूने बताया नहीं कि बिल्डर यहाँ गेस्ट हाउस में आकर रुकने वाले थे? वो मेरे दिमाग से निकल गया। अरे इस आदमी की प्रॉब्लम क्या है यार? चाहता क्या है वो? हमारे पीछे जिन की तरह चला आया। पहले हमें उस घर से निकाल दिया और अब यहाँ पे। उन्होंने गेस्ट हाउस भी खरीद लिया है। वाह, तो इसका मतलब अब वो ये घर भी खरीद लेगा? नहीं, पर ये मत भूलो कि वो घर खरीद के माँ के नाम करने की ऑफर की। अरे इसमें भी उसकी कोई चाल होगी, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। तुम उनके बारे में ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुम उसकी इतनी वकालत क्यों करती हो? क्योंकि मेरे पास उनसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई वजह है तो बताओ। बताओ क्या वजह है? अरे वजह है यार, है वजह, लेकिन यहाँ बता नहीं सकता। अब मेरी बात से तुम अग्री करो तो ठीक, ना करो तो भी ठीक। बट ये आदमी है बड़ा इंटरेस्टिंग। जब से आए ना कोई ड्रामा हो रहा है। तुझे पता कहाँ जा रही? मैंने बोला ना, अगर मेरी सोच से आप लोग अग्री करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। मुझे इस आदमी की डिस्कशन अच्छी ही नहीं लगती, इसलिए मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। आप भी यहाँ ठीक, मैं भी वहां। Thank you.
वहां जानते हो बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था, बिना बिल क्लियर किए जाने दिया। हैं? ऐसे कैसे? नहीं ऐसा नहीं है, संकल्प जी ने बिल क्लियर किया था। ये शामली कहाँ रह गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे। कहाँ रह गई? माँ कहाँ रह गई थी तू? माँ इतनी रात को कहीं कोई टैक्सी नहीं मिली, मैं 1 किलोमीटर दूर तक गई लेकिन ना टैक्सी ना ऑटो कहीं कुछ नहीं मिला। माँ भगवान तो शामली कहाँ? फिर मैंने माँ बोला। उसकी तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है वो भीमा शंकर। आओ शामली ने मुझे सब कुछ बता दिया है, उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाहर गाड़ी खड़ी है तो। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? टैक्सी नहीं मिली तो ये क्या करेंगे? ये हमें हॉस्पिटल तक छोड़ो। बिल्कुल नहीं टिमली। माँ इनके साथ हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। माँ इसका दिमाग खराब हो गया। माँ मेरी बात सुनो दी, इस आदमी के साथ हम खड़े भी नहीं हो सकते, इसकी गाड़ी में कैसे बैठेंगे? टिमली समझने की कोशिश कर। माँ मैं बिम्मी को लेके जाऊंगा। बिम्मी की माँ ये क्या बोल रही है? माँ इसको किसने बोला ऐसे बोले? इसको अधिकार किसने दिया है? टिमली माँ समझ गई, मैं आपके बेटे को अस्पताल लेके जाऊंगा। हटो। अरे कैसे लेके कैसे जाओगे? टैक्सी का मैं देख लूंगा, वो मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन आप ठीक नहीं कर रही हैं। अरे अपने क्रोध में आप इसकी जान को खतरे में डाल रही हैं। लिसन यू शट अप ओके टिमली। लगता है आपने अपनी मां से तमीज नहीं सीखी। अरे क्या कर रही हैं आप? अगर आपकी वजह से इसे कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? आप देखिए अगर चलते चलते इसकी जान को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप मेरी आप अपने जिद के आगे किसी को कुछ नहीं समझती है ना? आप मेरी बात सुन क्यों? चुप। एक्चुअली रूम में एक नर्स आई थी, वो कह रही थी कि आप अपने सारे बिल्स रिसेप्शन से कलेक्ट कर दीजिए। हाँ मैंने बिल कलेक्ट कर लिए। माँ जानते हो बड़ा अच्छा हॉस्पिटल था, बिना बिल क्लियर किए जाने दिया। हैं? ऐसे कैसे? नहीं ऐसा नहीं है, संकल्प जी ने बिल क्लियर किया था। दोपहर का खाना खाया तुम लोगों ने? दी बिल्डर ने बिल पे कर दिया, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या करते तुम जानकर? रुक जाता और जब पैसों का इंतजाम हो जाता तब वहां से निकलता। बिमली इतने दिनों के बाद घर आई है, श्यामली उसके लिए सूजी का हलवा बना दे, खाएगी ना मेरी बच्ची? यार मुझे तुम लोग पहले कुछ बताते क्यों नहीं हो? थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ टिमली, क्यों बात-बात पे गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात मैं प्रैक्टिकल हो जाता हूं और तुम लोग यूं ही भिखमंगों की तरह एहसान लेते रहे। प्लीज यहां कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है। मैंने संकल्प जी से बोला है वक्त आने पर हम उनके पैसे लौटा देंगे। मुझे 1-2 दिन दे दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। वैसे वो है कहाँ? तुम लोगों के साथ ही आए होंगे ना? वो बाहर गाड़ी पार्क कर रहे।
ये ऐसे यहाँ रख दूँ या कमरे में? आपने क्यों तकलीफ की? तुम लोग इसे साथ नहीं ला सकते थे? कोई बात नहीं, लो गाड़ी में भुलाया था तो मैं लेके आया। क्या हुआ? आप लोग सब कुछ परेशान हैं आपकी वजह से। आपने इरिटेट करके रखा हुआ है। अब आप शामली से पूछ लीजिए, इसकी इजाजत लेके ही मैंने ये खर्चा किया है, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जब कल पैसे आ जाएंगे तो आप लोग दे देना। इनफैक्ट मैं तो शामली की दाद देता हूँ, उसने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया। दाद तो आप देंगे ही ना सर, इसके जरिए आपका मकसद जो पूरा होगा। मुझे लेके? मैंने क्या किया? क्योंकि आपको ना हमारे घर के हर मामले में ना नाक घुसड़ने की आदत है। टिमली, बड़ों से ऐसी बातें नहीं करते। आप बैठिए ना प्लीज। माँ, ये आदमी बड़ा नहीं है, अजनबी है। और अजनबी ना छोटा होता है ना बड़ा, अजनबी अजनबी होता है। हमें उसे सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। पर मैंने ऐसा क्या क्या है जिससे आप लोगों को सतर्क रहना? नहीं संकल्प जी, टिमली कुछ बातों को लेके परेशान है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। नहीं, मैं चाहता हूं कि आप बुरा माने, ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आपका दखल हमारी जिंदगी में हमें बिल्कुल मंजूर नहीं। ये जो आप हमारी जबरदस्ती की सेवा करते हैं ना, हमारे हॉस्पिटल के बिल्स चुकाकर, ये हमारी इंसल्ट है। क्या बोल रही हो टिमली? ये बिल नहीं भरते तो और कौन भरता बिल? बैठे रहते वहां हॉस्पिटल में, कौन डिस्चार्ज करता बिमली को हॉस्पिटल से? वो भी मुझे मंजूर है। क्यों बिमी, तो दो दिन और रुक जाती ना हॉस्पिटल में। दो दिन के बाद क्या माँ के पास पैसे आ जाते? वो हम कहीं ना कहीं से तो इंतजाम कर ही लेते ना। देखिए, आप लोग बात का पतंगड़ बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रहे। आप शामली से पूछ लीजिए, इसकी इजाजत लेके ही मैंने ये खर्चा किया है, इस अंडरस्टैंडिंग पे कि जब कल पैसे आ जाएंगे तो आप लोग दे देना। इनफैक्ट मैं तो शामली की दाद देता हूँ, उसने बहुत ही सूझबूझ से काम लिया है। दाद तो आप देंगे ही ना सर, इसके जरिए आपका मकसद जो पूरा हो रहा है। तुम जिस चीज को अपना ईमान और धर्म बनाकर रखी हो ना, जिस सच को, वो सब गलत है। और जो भी तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, उसके बीच मैं आऊंगा, समझी? और यही बात अब मैं उस बिल्डर को भी समझाऊंगा।